हेलो दोस्तों, आज मेरे पास आसूस का ज़ेन फ़ोन है जिसका हम यूज़र रिव्यू देखेंगे। आसूस का ये फ़ोन हाल ही में लॉन्च किया गया है और इसकी प्राइस लगभग 10,000 रुपये है। बहुत अच्छी क्वालिटी का फ़ोन है। इसके हार्डवेयर क्वालिटी और इसके अनबॉक्सिंग देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पर जाकर इसकी हार्डवेयर क्वालिटी इनका जायज़ा ले सकते हैं। इसके डिस्प्ले बहुत अच्छी क्वालिटी का है और टच रिस्पॉन्स बहुत ही शानदार है। सिस्टम UI की बात करें तो ये आसूस का डिफ़ॉल्ट लॉन्चर है जिसको कि ज़ेन UI कहते हैं। ये आसूस का खुद का डेवलप किया हुआ एक अलग लॉन्चर है। बहुत ही अच्छा इसमें है, इसका जो लुकिंग है वो बहुत ही अच्छी है। लॉक स्क्रीन पर आपको यहाँ पर टाइम और वेदर कंडीशन मिलती है, साथ में कैमरे का शॉर्टकट मिलता है, फ़ोन कॉल या मिस कॉल जो भी आता है नोटिफिकेशन का वो मिलता है, मैसेज का नोटिफिकेशन मिलता है। स्टेटस बार जो कि एंड्रॉयड इसमें 4.3 वर्जन है वैसे, लेकिन ये एंड्रॉयड 4.4 में अपग्रेडेबल है। और भी अगर आप इसमें इंटरनेट यूज़ करेंगे या वाईफाई यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली ऑनलाइन ही अपडेट हो जाएगा एंड्रॉयड 4.4 में। हालांकि अभी इसका एंड्रॉयड वर्जन 4.4 लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही आसूस के थ्रू लॉन्च कर दिया जाएगा। आप होम स्क्रीन की बात करें तो नोटिफिकेशन बार यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं लॉक स्क्रीन से ही। लॉक स्क्रीन से नोटिफिकेशन बार डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। 5 इंच का फ़ोन है, इसके थोड़ा होल्ड करने में इसको दिक्कत आती है। यूजुअली मैं 4 इंच का फ़ोन यूज़ करता हूँ, जिससे अभी जिस स्पॉन्सर को लेकर रहा हूँ वो आसूस का ही सैमसंग 4 है जो कि 4 इंच का फ़ोन है। और उसकी आप कैमरा क्वालिटी उसकी देख सकते हैं, कितनी अच्छी कैमरा क्वालिटी है सैमसंग 4 की भी। तो आप सोच सकते हैं कि जब सैमसंग 4 में 5 मेगापिक्सल का कैमरा है और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है तो ये जो मेरे हाथ में है सैमसंग 5, इसकी कैमरा क्वालिटी कितनी शानदार होगी। टच रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा टच रिस्पॉन्स है। मैं आपको जल्दी से इसकी सेटिंग्स में जाकर इसके हार्डवेयर और कुछ इंफॉर्मेशन बताता हूँ। ये एंड्रॉयड 4.0.0 है, 4.4 जेलिबीन है, लेकिन आप इसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ सिस्टम अपडेट में मैंने ऑप्शन दिया जिसके थ्रू आप डायरेक्ट इसको अपडेट भी कर सकते हैं। मैं आपको स्टोरेज दिखा देता हूँ। इसमें 8 GB इंटरनल स्टोरेज है, लेकिन एक्सपेंडेबल मेमोरी 64 GB तक आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। 8 GB में से आपको 4.99 GB स्पेस यूज़ करने के लिए दिया गया है, जिसमें से अभी मेरे पास 1.04 GB है क्योंकि मैंने इसमें 200 GB डाल दिए इसलिए। और सिस्टम में 3 GB खुद रिजर्व कर रखी है फॉर सिस्टम के लिए। इसमें 2 GB रैम है और इसमें से आप देख सकते हैं कि 1.5 GB फ्री ही रहती है। बाकी किस टाइप के एप्लीकेशन यूज़ करते हैं इस पर डिपेंड करता है। 2 GB रैम बहुत ज़्यादा रैम होती है, मीन्स आप किसी प्रकार के कोई लैग या किसी प्रकार के कोई फ़ोन हैंग होता है वो कोई कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा इसमें। आसूस ने इसमें डिफ़ॉल्ट कुछ अपनी एप्लीकेशंस दी हैं। ये एप्लीकेशंस जैसे कि आसूस ने डिफ़ॉल्ट अपनी तरफ से दी है, उसमें पावर सेवर है जो कि पावर मैनेजमेंट में काम आता है। 5 GB का वेब स्टोरेज दिया गया है। ऑडियो आपको ऑडियो विजिट दी गई है, जिसके थ्रू आप इसकी ऑडियो क्वालिटी को अकॉर्डिंग टू आपके मोड सेट कर सकते हैं। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो उसको म्यूजिक मोड पर सेट कर सकते हैं। आप अगर मूवी सुन देख रहे हैं तो आप उसको मूवी पे या गेमिंग जो इसके अकॉर्डिंग इसका म्यूजिक और इसकी साउंड क्वालिटी चेंज हो जाती है, या आप हैंडसेट कैमरे इसको प्ले कर सकते हैं।
एक और बात जो कि स्पेशल है कि सभी जगह इसको बताया जाता है कि इसमें एफएम है, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें एफएम रेडियो है और यह आपको हैंड फ्री यूज़ करने के लिए इसके लिए साथ में आपको फ्लैश लाइट का ऑप्शन दिया गया है। कैमरे की क्वालिटी में इसमें आपको दिखा दें 8 मेगापिक्सल का ये ऑटो फोकस कैमरा है जो कि सेल्फ फोकस करता है। इसमें फ्लैश भी दिया गया है, इसकी क्वालिटी देख सकते हैं कितना शानदार ही फोकस करता है। मैं इसका फ्लैश थोड़ा बंद कर देता हूँ। देखिए आप नीचे जो देख रहे हैं वो ओरिजिनल है और वो कैमरे के अंदर जो देख रहे हैं वो देखिए कितनी क्लैरिटी है इसके कैमरे में, आप इसे देख सकते हैं। ये तो एक क्लैरिटी की बात जो कि रियर कैमरा 8 मेगापिक्सल है, इसमें साथ में अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑटो मोड दिया गया है, टाइम रिवाइंड मोड दिया गया है, स्पेशल मोड है जिसके थ्रू आप पिछले 2-3 सेकेंड की जो भी फोटोज हैं वो सब क्लिक कर सकते हैं। HDR मोड दिया गया है, वो लो लाइट के अंदर बहुत ही अच्छी इमेजेस आती हैं, इससे लो लाइट का अलग से हालांकि मोड दिया गया है लो लाइट में शूटिंग करने के लिए। नाइट मोड है, सेल्फी का स्पेशल मोड है, नेचर मोड है, डेप्थ है, ब्यूटिफिकेशन मोड है, तो एक तरह से आपको एक फुल्ली लोडेड कैमरा मिल रहा है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कैमरा है, अच्छी बहुत ही सुपर क्वालिटी का कैमरा है। मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ, देखिए इसमें आप वीडियो है जो 1920x1080 पिक्सल तक के वीडियो आप इसमें बना सकते हैं जो कि HD वीडियो है। आप HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसके थ्रू और इसमें 64 GB का मेमोरी कार्ड लगाइए और निकल पड़िए आपके मोबाइल पर। वाईफाई के साथ हॉटस्पॉट का भी ऑप्शन है, आप इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। इसके लिए क्विक मेन्यू में देखें तो यहाँ आपको फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिल रहा है, ये रैम बूस्टर मिल रहा है जिसके थ्रू आप रैम को क्लीन कर सकते हैं और जो अगर आप रैम फ्री रैम की अमाउंट बढ़ा सकते हैं। ये ब्राइटनेस स्लाइडर दिया गया है, इसको ब्राइटनेस को आप एडजस्ट कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें ऑटो ब्राइटनेस का भी ऑप्शन दिया गया है, ऑटो ब्राइटनेस का। इसके अलावा वाईफाई है, ऑटो रोटेशन है, साउंड मोड है, पावर सेविंग मोड है, डाटा है, GPS है, रीडिंग मोड इसमें दिया गया है जिसमें आप अगर इसको ऑन करेंगे तो उसके बाद रीडिंग मोड में आप लो लाइट के अंदर जैसे आप बुक वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली फ़ोन लो लाइट मोड पर चला जाएगा और आपकी आँखों पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। एक इजी मोड करके एक और ऑप्शन दिया गया है इसमें, इसको जैसे ही आप ऑन करेंगे फ़ोन जो UI एकदम सिंपल मोड में चला जाएगा। देखिए फ़ोन बहुत ही ईजी हो जाएगा यूज़ करने के लिए, आप इसमें देखिए आप अपने फेवरेट एप्लीकेशन से कर सकते हैं। देखिए कितना सिंपल इसका लुक हो गया फोन का, ये देखिए इसकी लॉक स्क्रीन भी चेंज हो गई है। ये इजी मोड के नाम से इसमें ये मोड दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छा मोड है। अब इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी, इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस है, आप इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो पर चेक कर सकते हैं। ब्राउजिंग की बात करें तो इसमें स्पीड लगभग 42 MBPS तक की आ सकती है, यह आपके नेटवर्क पर डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क कितना फास्ट है। तो कुल मिला के ASUS ZenFone एक बहुत अच्छा फ़ोन है, अगर आप इसको लेने की सोच रहे हैं तो मैं तो कहूँगा तो पूरी जल्दी से इसे लीजिए।